कोरोना वायरस के संक्रमण के फैलाव से बचाव को लेकर पूरे देश में पिछले 2 महीने से अधिक समय से लॉकडाउन। ऐसे में सबसे बड़ी विपदा उन मजदूरों के बीच जो देश और राज्य के विभिन्न शहरों में रहकर मजदूरी करते। लॉकडाउन के बाद लाखों मजदूर विभिन्न शहरों से सैकड़ों किलोमीटर की दूरी पैदल कर अन्य साधनों से चलकर अपने घर लौट रहे। ऐसे ही प्रवासी मजदूरों की मदद के लिए राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के मुताबिक निर्देश दिया गया कि प्रभारी जिला न्यायाधीश श्री गजेंद्र सिंह, मजिस्ट्रेट सुदीप श्रीवास्तव, अतिरिक्त जिला जज श्रीकांत पांडे में नेशनल हाईवे 26 ग्राम बचाई में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नरसिंहपुर द्वारा लगभग 5,000 प्रवासी मजदूरों को टेंट लगाकर भोजन सामग्री और बिस्किट चने का वितरण किया। खाद्य सामग्री वितरण के दौरान अपर जिला जज सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री संजय गुप्ता द्वारा नेशनल हाईवे से निकल रहे मजदूरों को सोशल डिस्टेंस और मास्क के उपयोग के बारे में बताया। प्रवासी मजदूरों को खाद्यान्न वितरण के दौरान ग्रामवासियों का भरपूर सहयोग रहा। कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? हम लोग वेल्लोर से आ रहे हैं। तो यहाँ पे जो भोजन की व्यवस्था है, कैसी भोजन की व्यवस्था? बहुत अच्छा है आप लोग का, बहुत अच्छा एहसान है आप लोग का, बहुत अच्छा आप लोग कर रहे हैं। तो रास्ते में दे रहे हैं, चप्पल भी दे रहे हैं, आप व्यवस्था कर रहे हैं, गाड़ी का साधन का सब व्यवस्था कर रहे हैं, कोई टेंशन नहीं, सब आपसे सहमत है, सब आपके कर्जदार से। भोजन की व्यवस्था में आज भोजन कराते हुए 7वां दिन हो गया है। आज भोजन की व्यवस्था में हमारा मीनू कढ़ी, चावल, पूड़ी, अचार, आज हमारा मीनू, बाकी निरंतर हमारे द्वारा पादू का चप्पल जो नंगे पैर हैं या जिनकी चप्पल टूट रही है उनको दिया जा रहा है, और पानी की व्यवस्था है हमारी। लगभग कितने दिनों से चल रहा है और अब तक कितने प्रवासी मजदूरों को भोजन करा दिया? 7वां दिन है और लगभग लगभग हम 7 दिन में लगभग 6,000 के आसपास प्रवासी मजदूरों को भोजन व्यवस्था यहाँ पर कराई। विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा माननीय सदस्य सचिव श्री धर्मेशानंद साहब और माननीय जिला जज साहब के मार्गदर्शन यहाँ पर आपदा प्रबंधन के संबंध में ऐसे मजदूर जो कि लगातार एक जगह से एक स्थान से किसी जगह पलायन कर रहे हैं, उनके लिए भोजन इत्यादि की व्यवस्था की जा रही है और एनजीओ के साथ मिलकर के भी काम किया जा रहा है। हेल्प डेस्क तैयार की गई है ताकि मजदूर उसको पढ़ करके ये देख लें कि उन्हें अगर किसी प्रकार की कोई असुविधा हो रही है, पलायन किए जा रहे हैं, तो ये जिला विधिक सेवा प्राधिकरण उनकी मदद करने के तैयार है। टोल फ्री नंबर भी दिया गया है, भोजन इत्यादि की व्यवस्था को भी इसमें शामिल किया गया है और एनजीओ के साथ भी काम किया जा रहा है और साथ में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का जो फंड है जो आपदा प्रबंधन के संबंध में उसको भी यूज किया जा रहा है। नरसिंहपुर से ब्यूरो रिपोर्ट।